सिंहदेव ने की समीक्षा बैठक। डीएन और अधीक्षकों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की गई। तो रायपुर से खबर बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समीक्षा बैठक की। अंबेडकर अस्पताल में दवाओं के लिए 37 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। लंबित नर्सिंग छात्रों की परीक्षाओं की तिथि भी घोषित की गई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समीक्षा बैठक की, जिसमें अंबेडकर अस्पताल में दवाओं के लिए 37 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साथ ही लंबित नर्सिंग छात्रों की परीक्षाओं की तिथि भी घोषित की गई है। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। स्टेट हेड नितिन चौबी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नितिन जी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अस्पताल में दवाओं के लिए 37 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साथ ही जो नर्सिंग छात्रों का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था परीक्षा को लेकर, उसकी भी तिथि घोषित की गई है। जी, आपको बताना चाहेंगे, विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री ने जो समीक्षा बैठक ली थी, उसमें अस्पताल की में दवाओं की किल्लत को देखकर और नर्सिंग कॉलेज में जो परीक्षाएं विगत दो वर्षों से लंबी थी, उसको देखकर स्वास्थ्य मंत्री काफी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की। और आनंद फानन में आयुष विश्वविद्यालय ने नर्सिंग की जो परीक्षाएं दो साल से लंबी थी, उनको 6 जुलाई से करने की तिथि घोषित कर दी गई। वहीं अस्पताल में जो भी सुविधाएं लंबी थी दवाइयों को लेकर, उसमें 37 करोड़ एमसी को दे दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताना चाहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पर एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट, रेडियोलॉजी, आर्कियोलॉजी विभाग की सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं की दवाओं की काफी दिक्कत मरीजों को लगातार आ रही थी, उसको लेकर मरीजों ने काफी स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क किया था। और बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जाहिर की, तो तत्काल प्रभाव में सीजीएमसी ने 37 करोड़ की घोषणा करी दवाओं को खरीदने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री ने सीजीएमसी को यह निर्देशित किया कि वह दवाओं कंपनियों से उनकी दर का निर्धारण कर ले। पूर्व में भी बैठक के जिसके पूर्व भी जो बैठक हुई थी स्वास्थ्य के आला अधिकारियों के साथ, उसमें भी स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया था कि जो भी सीजीएमसी दवा कंपनियों के साथ अपनी दर का जो एग्रीमेंट है वो कर ले, लेकिन पिछले निर्देश के बावजूद भी अधिकारियों ने वो दर का निर्धारण नहीं किया था, उसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने काफी नाराजगी जाहिर की है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने समीक्षा बैठक की और बैठक में लंबित नर्सिंग छात्रों की परीक्षाओं